जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर में खैरामठ गौ डीहबार बाबा स्थान से हर साल कलश शोभा यात्रा और दो दिवसीय अष्टयाम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी दो दिवसीय अष्टयाम का आयोजन किया गया। आज कलश यात्रा अष्टयाम स्थल से कमलांदी के तट पर पहुंचा, जहां 501 कन्याओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जल पूजी किया। तत्पश्चात कलश यात्रियों का अष्टयाम स्थल पहुंचा। शोभा यात्रा में शामिल महिला एवं पुरुष श्रद्धालु बैंड बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, जहां डीहबार बाबा की जय, कमला मैया की जय सहित देवी देवताओं के गगनभेदी नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर पूजा समिति के सदस्य जितेंद्र कुमार ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी दो दिवसीय अष्टयाम का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखकर और मास्क पहनकर अष्टयाम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राम सुंदर ठाकुर, नथुनी यादव, राम बाबू यादव, कुरुण कुमार, अमलेश कुमार, सुभाष कुमार, जितेंद्र कुमार सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे।